नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। इस वक्त मैं जुहू में हूं। अनिल कपूर जी हमारे झकास एक्टर, उनके घर के सामने खड़ी हूं क्योंकि आज खुशी का दिन है उनके लिए, क्योंकि उनकी बेटी रिया कपूर और सोनम कपूर की बहन रिया कपूर की आज शादी होने वाली है, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। आपको बताना चाहूँगी, 13 साल से वो करण बुलानी के साथ रिलेशनशिप में थी, उन्हें डेट कर रही थी और फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और घर के सामने मैं खड़ी हूँ ताकि आपको मैं नज़ारा दिखा सकूँ कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। फिलहाल बाहर से अगर आप देखेंगे तो कुछ खास तैयारी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो पूरी तैयारी है वो घर के अंदर चल रही है। हमने फुटेजेस भी लिए हैं जहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि जो डेकोरेशन वाले हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो लगातार आ रहे हैं और घर के अंदर तैयारी चल रही है ज़ोरों शोरों से। खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें सब एक एक करके आ रही है। मीडिया भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तैनात है ताकि आपको भी पल पल की अपडेट दे सके और फुटेजेस आप तक पहुँचा सके किस तरीके से शादी होने वाली है। वैसे तो ग्रैंड लेवल पर शादी नहीं होने वाली है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से शादी होने वाली है जहाँ पर घर के अंदर सिर्फ खास दोस्त रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, शादी में मौजूद रहेंगे। धूमधाम से नहीं होने वाली है और शायद ही हम सेलिब्रिटीज़ को देख सके। फिलहाल अब तक कोई सेलिब्रिटीज़ घर के अंदर नहीं आया है, सिर्फ डेकोरेशन वाले, मेकअप आर्टिस्ट और क्लोज़ फ्रेंड्स ही आए हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है किस तरीके से, और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अब तक नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो शादी है, शादी के जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो लगभग 2 से 3 दिन तक चलेंगे। और खबर ये भी है कि यहाँ पर जो करण बुलानी है वो यहाँ पर आए थे और एक क्विक विज़िट करके घर के अंदर फिर वो चले गए। ग्रूम आकर मिल के चले गए हैं और अब देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ जो इस खास लिस्ट में हैं वो कौन कौन आते हैं, ये हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही है कि इतनी धूमधाम से तैयारी नहीं चल रही है, सब जो भी है वो अंदर ही घर के चल रही है।